यहाँ पे इस साइड के अंदर आर्मी के बंकर्स बनाए गए हैं। यहाँ से पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे, और थे कहते पाकिस्तान की साइड का लोगों ने देखा डे कहते। अच्छा परले तरफ कोई काम कुम करने को नहीं हो खेता में? अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो ये देखो, ये हम हैं, मैप के अंदर आपको पता चल रहा होगा, और ये सबसे नज़दीकी बॉर्डर पॉइंट है यहाँ पे, जो कि 12 जीडी के पास में ऐसी आता है। यहाँ से इस साइड के अंदर बिल्कुल नज़दीक है भाई बॉर्डर, हो सकता है यहाँ से 2 किलोमीटर ही हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आज एक नया व्लॉग लेके आया हूँ और मैं आप सबका इस व्लॉग और चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जो विलेजेस हैं राजस्थान के अंदर वो विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ज़्यादा पास होने पर कैसा फील होता है, उनकी डर लगता है क्या, उनको टेंशन्स वगैरह रहती है नहीं रहती, ये भी अगर कोई मिला तो हम उससे बातें करेंगे। आप ये व्लॉग लास्ट तक देखना और जुड़े रहना। अब हम जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं, ये रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आती है और ये नेशनल हाईवे 911 भी है। हम अभी नई मंडी गढ़साना पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो इंडो पाक बॉर्डर है वो अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 किलोमीटर है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने पूरा गढ़साना मंडी दिखाया था, और वो गढ़साना मंडी राइट हैंड साइड में, हमें जाना लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे एक कॉलेज है और ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये इसी कॉलेज के हैं, स्वामी केशवानंद कॉलेज। मैं एक नई मोटरसाइकिल रोड ट्रिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पहले जो राजस्थान मोटरसाइकिल ट्रैवल व्लॉग है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ वो बनाऊँ। अगर आप कहीं से भी हैं तो देख सकते हैं आप मैप के अंदर कि मैं कितना पास में चल रहा हूँ बॉर्डर के। अभी आप जो ये गांव देख रहे हैं इसका नाम है 17 MDB 4GDA, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और अभी हम जैसे जैसे जाएंगे आगे वैसे वैसे एक दो पॉइंट आएंगे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के। यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है मुझे, शायद ही किसी को ऐसा महसूस हो यहाँ पे कि हम बॉर्डर के इतने पास रहते हैं। ये जो रोड है सखी, इसके ऊपर ही छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, इधर उधर ढानियाँ आ रही है। ये वाला एरिया तो पूरा रेगिस्तान वाला सा खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई फसल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई 22 MD इधर से आई जावे। यहाँ पे तो खेत वगैरह में मतलब बिल्कुल सही है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, और फसल वगैरह भी है। पॉपुलेशन थोड़ी सी ऐसे मतलब कम हो गई है, दूर दूर घर गांव प्रॉपर आएगा तब देखेंगे कितना बड़ा है कैसा है। यहाँ पे आगे एक गांव दिख रहा है, यही है 22 MDB। हम बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, यहाँ पे तो सरसों की फसल भी बड़ी हो रखी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अंदर घूम के आते हैं, यहाँ पे लोग तो बहुत कम दिख रहे हैं, शायद हो सकता है खेत वगैरह तो अपने खेतों में काम करने के लिए गए हो। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, अंदर क्लास वगैरह लग रही है। मंदिर है इधर, ग्राउंड बना हुआ है खेलने का। दोपहर का टाइम हो रहा है इसलिए हो सकता है सब लोग अपने अपने घर में हो या खेत में हो, बाहर तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पक्के कच्चे सब टाइप के घर मिलेंगे यहाँ पे देखने को। ताऊ जी क्या करने लग रहे हो, इतनी स्पीड होने लग रहे हो? हाँ कोई इतनी सी जगह कोई स्पीड में चलने वाली अभी थे ही पड़ोर मेरे लगी तो कौन गए थारे लगर मेरे लगर आराम चलाए करो मोड़ मोड़ पर तो जमा ही।
बाइक वगैरह को बहुत धीरे आराम से बिल्कुल आराम से चलाना चाहिए, और ख़ास करके गांव में कच्चे रास्ते होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाइक स्लिप बहुत जल्दी होते हैं। और ये दो पहिया वाहन है रोड के ऊपर, तो इनकी फिर भी कुछ ग्रिप होती है, यहाँ पे आपको कोई ग्रिप वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक नहर है, दो भाई बैठे हैं। तो ये राम राम, अटम बॉर्डर कितनी दूर है? अठेगा ही हो गए थे कोई यहाँ बॉर्डर क्या करना इतना करना रोत होने को यहाँ लग गया कि बॉर्डर क्या करना हो इतना बॉर्डर के इतने पास रहते हो आपका ऐसा फील होता है क्या? पता ही लगता। आर्मी उर्मी वाले आते हैं यहाँ पे? आर्मी तो आती है। अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब कोई डर तो नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता, पर बॉर्डर देना सुविधा कोई नहीं। अच्छा सुविधा नहीं है कोई? सुविधा अच्छी नहीं देते कोई भी, डर नहीं लगता। अच्छा डरना डरना की है हम की करेंगे? नहीं भाई उधरों कोई हो जाए कोई गल ना 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 फौजी भरा बैठे हैं अंदर सब कुछ जल्दी लूटा। सही है सही है। हां बस अपने भरा हो। हां करना का रास्ते है। सही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे से अभी थोड़ा सा हम टर्न लेंगे, यहाँ पे भाई एक अंकल जी आए, वो गिरते मेरे भी लगती, बस ऊपर वाले भगवान है बचाने वाले, भगवान जी बचा के रखना हमें। अभी हम वापस मेन रोड के ऊपर आ गए, और यहाँ से गढ़साना है 7 किलोमीटर। यहाँ पे इस साइड के अंदर आर्मी के बंकर्स बनाए गए हैं, यहाँ से पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे। ये देखो वो रहा टावर। बॉर्डर के नज़दीक जो गांव है वो एक तो छोटे हैं और दूसरा काफ़ी दूरी पर है, जैसे कि वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती, कम मिलती है सुविधा। यहाँ पे देखो रेत के टीले। अभी हम शायद इस एरिया के जो रेत के टीले की जो बेल्ट है उसमें सबसे ऊपर है अभी हम। इधर 25 MD जाती है ये वाली रोड। यहाँ से जो नेक्स्ट विलेज है वो है 12 GD, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अभी हम चलते हैं वहाँ पे, उससे आगे विलेज रोड के थोड़ा इस साइड अंदर में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम विलेज के अंदर तो नहीं जाएंगे। इधर ना देखो जितनी दूर दिखाई दे रहा है ना रेत के ही टीले हैं, और ऐसे ये घास सी खड़ी है पूरे एरिया के अंदर, इधर और इधर भी। जैसे जैसे हम बॉर्डर के नज़दीक जा रहे हैं, गांव भी छोटे हैं, गांव में दुकानें वगैरह भी कम हैं। अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है तो ये देखो ये हम हैं, मैप के अंदर आपको पता चल रहा होगा, और ये सबसे नज़दीकी बॉर्डर पॉइंट है यहाँ पे, जो कि 12 GD के पास में ऐसे आता है। यहाँ से इस साइड के अंदर बिल्कुल नज़दीक है भाई बॉर्डर, हो सकता है यहाँ से 2 किलोमीटर ही हो या उससे भी कम। यहाँ पे ना लोग दिखना भी काफ़ी कम हो गए, यहाँ पे 12 GD आ गया इस साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में लोग मतलब दिख ही नहीं रहे भाई। अब रीज़न क्या है वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा भाई, हो सकता है दो रीज़न हो सकते हैं। अभी अप्रोक्सीमेट 2 बजे हैं दोपहर के, तो लोग घरों में हो सकते हैं, काम करने गए हो सकते हैं, खेतों में, सड़क के ऊपर कम दिख रहे हैं। तो भाई हमने रोड के इस साइड पर बाइक खड़ी कर दी, इधर एक ट्रैक्टर चल रहा है तो उधर जाके आ रहा हूँ मैं, बड़ा ट्रैक्टर भाई, आगे वाले टायर भी बड़े हैं, और उन्होंने इंडिया का झंडा लगा रखा है। एक क्यूरियोसिटी है कि दिमाग में कि ये जो इंडिया का झंडा इन्होंने अपनी वैसे लगा रखा है या बॉर्डर के ज़्यादा पास है कोई ऐसा कुछ, बॉर्डर के पास ज़मीन वगैरह है तो उस हिसाब से लगा रखा है। बात करके आते हैं भाई से। भाई ने ट्रैक्टर रोक लिया। भाई राम राम। और दूर हो गया लगे भी जाना कांग्रेस को है क्या झंडो, मन लगे भारत को है वो इंडिया लो, मैं बॉर्डर का ज्यादा करना हो जिंदा मैं यो केटा लगाइड हो गया गेड़ा हो कदे। अच्छा पर ना कोई जमीन जमीन है क्या? जमीन को मेरे तारबंदी का सारा जमीन है हमारी। अच्छा तारबंदी का सारा बिल्कुल 23 GD ने तेल भरा के। अच्छा तो 23 GD में लास्ट 23 GD का मैं तेल को कंबर में मारो अभी से। अच्छा अच्छा। और ट्रैक्टर कितना हॉर्स पावर है? कोई बॉर्डर ऑर्डर वगैरह पाकिस्तान की साइड का लोगों ने देखा डे। अच्छा परले तरफ कोई काम कुम करने को नहीं खेता में बंदो को देखो साफ सुथरा बंदो है
गुजरात के अंदर द्वारका है नी, द्वारकाधीश नाम सुनो हो, द्वारका अपने कृष्ण जी को वो नाम तो बैठा के है की जिया पानी समुद्र एरियो है बीच नाव चल है नी, नाव किस थी जी द्वारका ले जाए तो जो द्वारका समुद्र के अंदर संठा हुआ तो बीत हर नाव के ऊपर इतना झंडू भारत को लगाना जरूरी है ताकि भी तो रहे नहीं भी बॉर्डर कने है, बिल्कुल बॉर्डर कने ही पड़ा है, समुद्री बॉर्डर है। तो मैं सोचो भी हिसाब हो कि तो ट्रैक्टर पर लगा रखे हो गए अरे अरे भाई बस धन्यवाद सही है जी, बहुत बढ़िया लगे थारों बात करके। और बाकी साफ सुथरा बंदे नहीं है, कल भी बंदे अगर कोई दिक्कत कोई साफ सुथरा है तो बॉर्डर के इतने नजदीक है और इतना बड़ा ट्रैक्टर है भाई, जिंदगी में पहली बार 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर देखा है मैंने, वो भी 4x4। ये है 19 जीडी विलेज, सामने से कोई आ रहा है क्या, 6 SKM सखी। ये आ गया दरगाह शहीद बाबा गुल्लू पीर, इस साइड के अंदर है और इस एरिया का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो यहाँ पे ही लगता है इनके, थोड़ा सा देख के आते हैं अपने भाई। अरे यार गुल्लू पीर वाली दरगाह कितनी दूर है, सामने रोड पर ही है कहीं पर, ठीक है भाई बढ़िया भाई, बहुत आराम से बात की भाई ने अच्छे से। रोड से अगर यह बताया इन्होंने जिस हिसाब से बताया अगर यहाँ पे है तो शायद 500 मीटर दूर हो मेन रोड से। ये रही दरगाह गुल्लू पीर जी, सुनने में आया है कि इस एरिया का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो यहाँ पे ही लगता है। अभी हम चलते हैं यहाँ से, आज मोटरसाइकिल एडवेंचर, एडवेंचर तो नहीं कह सकते, मोटरसाइकिल टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग हो गई आज जो हमने ये मोटरसाइकिल ट्रैवल वीडियो बनाई है। ये स्पेशली यही दिखाने के लिए बनाई है कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ जो विलेज है वो कैसे हैं, वहाँ पे कैसे लोगों को डर है नहीं है, सुख सुविधा कैसी है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि अपनी ID वगैरह पास रखनी पड़ती है हर टाइम, बाइक से आओ कार से आओ तो आपको ID दिखानी पड़ेगी और थोड़ी सुविधा कम मिलती है जो बॉर्डर विलेजेस है उनको। और सुना है कि इधर पाकिस्तान की साइड में तो कोई विलेज वगैरह है नहीं, इधर लास्ट विलेज जो है वो है फोर्ट अब्बास, उसको उसका पुराना नाम था फुलेड़ा है प्रोनंसिएशन शायद थोड़ा गलत हो सकता है मेरा। जैसा कि सखी गांव है, 22 MD है, 25 MD है, या यहाँ पे इस साइड के अंदर जितने भी विलेजेस हैं इन सब का नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहले फुलेड़ा था, पार्टीशन से पहले यहाँ से शायद 20 या 25 किलोमीटर है अप्रॉक्स। और उस फुलेड़ा गांव को पाकिस्तान में अब फोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई भाई फोर्ट अब्बास पाकिस्तान से या इस एरिया के अंदर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर करना भाई और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको मोटरसाइकिल ट्रैवल वीडियोस पसंद हो तो। ये देखो पाकिस्तान की चौकी भी बनी हुई है, उसके बिल्कुल पास में एक हेलीपैड भी बना हुआ है। अभी हम घर